ज्यादा गरम मसाला और तीखा खा लेते हैं तब उन्हें दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत पड़ती है। और इस समय संकट की घड़ी में जो चीज इन दोनों से भी ज्यादा जरूरी होती है वो है टॉयलेट पेपर। तो आज के इस वीडियो में टेकबुल आपकी नॉलेज में चार चांद लगाने के लिए लेकर आया है टॉयलेट पेपर के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस को। तो चलिए अपना बैग पैक करिए और चलते हैं वहाँ जहाँ कचरे से इतने पतले टिश्यूज को बनाने का काम किया जाता है। टॉयलेट पेपर को बनाने के लिए भी बाकी कागजों को बनाने वाले पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज ऐसे पेपर्स को रद्दी के ढेर से बनाती है। इसके लिए वर्कर्स अलग अलग जगह से कागज की रद्दी को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद इन्हें फैक्ट्री प्लांट में लेकर आते हैं। यहाँ इन पेपर्स को यूजफुल बनाने का काम किया जाता है। सबसे पहले तो इन रद्दी कागजों को कलेक्ट करके इन्हें बड़े से कंटेनर में डाला जाता है और इसका पल्प बनाया जाता है। यहाँ इसका पल्प बनाने के बाद इसे एक बड़े से टैंक में डालकर कुछ देर के लिए उबाला जाता है। इन कागजों को उबालने से इन पर लिखा हुआ नीला काला इंक पेपर से अलग हो जाता है। इसके बाद इंक अलग बह जाता है और साफ कागजों से बना हुआ पल्प अलग डायरेक्शन से निकाला जाता है। अब इंक वाला पानी तो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये साफ सुथरा पल्प हमारे बहुत काम की चीज है। इन सफेद चिकने पल्प को कई रोलर से होकर गुजारा जाता है, जिससे इन पल्प का सारा गंदा पानी कागज से अलग हो जाता है। इस प्रोसेस से होने के बाद कागज का पल्प एक बार फिर से बारीक पीस कर उबाला जाता है और इस बार इसमें एंटी बैक्टीरियल केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं जिससे इनके सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद पेपर का पल्प इस फॉर्म में अवेलेबल है कि उसे टिश्यू पेपर बनाए जा सकते हैं। इसके बाद इस लुगदी को हॉट एयर ब्लोअर लगे रोलर के बीच से गुजारा जाता है, जिसके बाद ये लुगदी 10 फीट लंबे पेपर शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस 10 फीट लंबे पेपर को एक बड़े से रोलर में लपेट दिया जाता है। इस रोलर में करीब 60 किलोमीटर लंबे लंबे पेपर्स तक लपेटे जाते हैं। पेपर्स तैयार होने के बाद अब बारी आती है टॉयलेट पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की। टॉयलेट पेपर के फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हमें रोलर चाहिए जिसमें पेपर को रोल किया जा सके। फैक्ट्री में पतले से गत्ते की शीट से कुछ इस तरह लपेट कर ऐसे गत्ते के पाइप तैयार किए जाते हैं। जब ये तैयार हो जाते हैं तो बड़े वाले पेपर के रोल से इसमें पेपर को लपेटा जाता है। इसमें पेपर 60 किलोमीटर तक नहीं लपेटे जाते हैं, जरूरत के अकॉर्डिंग इसमें पेपर को रोल किया जाता है। अब आपने गौर किया तो बाथरूम में इतने लंबे लंबे पेपर के रोल तो होते नहीं है। इसके लिए तेज धारदार मशीन से अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पार्ट्स में काट कर लिया जाता है और इसमें से जो जरूरत से ज्यादा छोटा रोल कटा होता है उसे अलग कर दिया जाता है। इतना करने के बाद टॉयलेट पेपर को पैकिंग के लिए पैकेजिंग एरिया में भेज दिया जाता है। कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ये छोटे छोटे पेपर रोल आगे बढ़ते रहते हैं और एक मशीन इनके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ाती रहती है। अब हमारा टॉयलेट पेपर बनकर तैयार है। इसके बाद वर्कर इनको 6-6 बंडल में रखकर इसे एक बार और पैक कर देते हैं, जिसके बाद अभी आपके बाथरूम में काम आने के लिए एकदम तैयार है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए मैं दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।